रूस ने क्यू पर दागी 70 से ज्यादा मिसाइल। क्यू के बिजली घरों को निशाना बनाया। रूस के हमले से एक बार फिर से क्यू में अंधेरा छा गया। क्यू पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो आया सामने। दावा किया गया है कि कुछ घंटों में ही रूस ने क्यू पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा। रूस ने कीव के रिहायशी इलाके में भी मिसाइल दागी, जिससे कई इमारत पूरी तरह से हुई तबाह। वहीं मिसाइल अटैक से लोगों में दहशत भी देखने को मिली। रूस के मिसाइल अटैक के बाद क्यू में दहशत देखने को मिली है। खुद को बचाने के लिए लोग पूरे परिवार के साथ मेट्रो स्टेशन के भीतर छिप गए। रूस के मिसाइल हमले का असर यूक्रेन के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। खार्किव में भी बिजली संकट पैदा हो गया है। रूस ने कीव पर मिसाइल से अटैक किया, जिससे कि कीव के कई इलाकों में मिसाइल गिरी। हमले में कीव की कई इमारत भी तबाह हुई। रूस के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। क्राइमिया इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। इस हमले में रूस के करीब 40 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने सोवियत काल की 152 तोपों की मारक क्षमता को परखा। तोप के जरिए 13 किलोमीटर दूर के लक्ष्य पर निशाना साधा गया। वैगनर ग्रुप को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। युद्ध के मैदान में उतरने से इनकार करने पर अपने ही 10 लड़ाकों को वैगनर ग्रुप ने मौत के घाट उतार दिया।